सूख जाए तुलसी का पौधा तो तुरंत करें ये काम, वरना हो जाएंगे कंगाल। घर में तुलसी का सूखा पौधा होना अशुभ होता है। तुलसी के सूखे पौधे को सम्मान से हटाएं, स्नान करने के बाद ही इसे स्पर्श करें। गमले में तुलसी के पौधे को जड़ सहित निकालें और इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। लेकिन रविवार या एकादशी के दिन यह काम ना करें। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। पुराने पौधे की जगह नया पौधा लगाएं। तुलसी का नया पौधा लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। तुलसी के गमले की मिट्टी भी शुभ होती है। ऐसे में जब तक तुलसी का नया पौधा ना लगा पाए, तब तक तुलसी के गमले की पूजा भी कर सकती है। यदि गमले की मिट्टी बदल रहे हो तो उस मिट्टी को भी सम्मान के साथ कहीं डालें। इसे गंदगी में डालने की गलती ना करें। घर पर लगाने के लिए रमा तुलसी सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है। बेहतर होगा कि रमा तुलसी ही लगाएं। साथ ही तुलसी के पौधे को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इस पौधे को दक्षिण दिशा में ना लगाएं। घर में सूखी तुलसी रखे रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा रुक सकती है। अतः वीडियो में बताए गए उपाय को आजमा कर आप लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।